छूनी मिश्रा जी, स्वागत है आपका। जी मैम, नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। ये मिसेज को थोड़ा सा यूट्रस का प्रॉब्लम है, यूट्रस में थोड़ा सूजन है। हेलो, इंटेस्टाइन में सूजन है। नमस्कार सर जी। जी आदाब। जी सर, वो यूट्रस में सर उसको दिक्कत है, तो उसीलिए फोन किए थे सर। यूट्रस? अच्छा, जी आपकी पत्नी को तकलीफ है। ठीक जी है, ठीक। तो देखिए, इसके लिए एक नुस्खा मैं बता देता हूँ कि आपके किचन में खाने का सोडा है, जो सोडा या बेकिंग पाउडर जिसे कहते हैं, कोई मीठा सोडा भी कहता है, एक चुटकी खाने का सोडा लें और एक या दो गिलास पानी मिला दें। और एक आता है गौन चिलगोजा, गौन चिलगोजा असली लें, और वो रॉ मटेरियल कच्ची दवा है, असली लेना ज़रूरी है। और एक चुटकी खाएं ये गौन चिलगोजा, और ये पानी पी लिया करें रोज़ाना, एक बार उन्हें इस्तेमाल कराया करें तो उनको फ़ायदा मुमकिन। स्वागत है आपका। सर, मेरे पैरों में गठिया हो गई है सर, ऐसे कम से कम 5-6 साल से। तो इसकी दवा मैं कौन सी ले रही हूँ? ये मैंने पांचवी बार मंगाया, पांचवा डिब्बा है ये मेरा। और डॉक्टर साहब, ये मेरे मतलब शुगर भी है, थायराइड भी है, तो ठीक रहता है, कंट्रोल रहता है। तो सर, पहले मुझे बहुत फायदा हुआ, अब इस समय पता नहीं कि मतलब दर्द बढ़ गई है। तो सर, ये सर मैं खाती तो हर चीज ऊपर पारे तो बताइए सर, और ये दवा जो है मैं ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती हूँ? घर का आप ये काम खुद कर करती हैं वीना जी? जी मैम, घर का काम मैं झाड़ू पोछा तो नहीं करती, केवल किचन में खाना बनाती हूँ खड़े होके, वो भी 10-15 मिनट के लिए, बस ज्यादा नहीं। घर का ठीक। काम झाड़ू पोछा कुछ नहीं करती कितना परसेंट हूँ हम फायदा समझे गौन सिया का? मैम। हो गया है कम से कम 40-45% है मैम। बैठी रहती हूँ तो कोई दर्द नहीं रहता, बस खड़े होने से मेरे दिक्कत है। अगर मैं खड़ी हो गई थोड़ी देर में दर्द शुरू हो जाती है, और सुबह ठीक। मैं मॉर्निंग वॉक पे भी जाती हूँ, जाते वक्त सुबह उठती हूँ चली जाती हूँ, आधा किलोमीटर में टहल के लौट आती हूँ। वेट ज्यादा है उससे क्या आपका? जी वेट ये मेरा, हाँ 67 है, 47, और उम्र कितनी है? 47। ठीक है मैम, वेट थोड़ा कम कर सकते हैं तो कर लीजिए। नमक, जैतून एक चुटकी और खाने का सोडा एक चुटकी पानी मिलाकर इस पानी से गौन सिया लिया करें। और अगर ये कन्फर्म गठिया है तो काफ़ी आप सब्र वाले हैं, आपने काफ़ी दिन इलाज किया, और इसमें सब्र वाला ही आदमी चाहिए, संयम वाला। तो और भी फायदा हो सकता है कि अगर आप अलसी के पाउडर से आधे चम्मच अलसी का पाउडर भी साथ में खाएं, आधा ग्राम कौन से आके, तो और तेजी से फायदा होना मुमकिन स्वागत है आपका। है। कि मेरा पेट साफ नहीं होता है, वैसे मैं 6 वो जो हकीम जी ने बताया हुआ है वो चूर्ण लेती हूँ, जी, कब से ले रही हैं? कभी कभी ले लेती हूँ, वैसे रोज तो नहीं लेती हूँ, लेकिन हो गया 1-2 महीना लेते हुए। तो अच्छा, पेट साफ नहीं होता, लेकिन हवा पास बहुत होती है। ठीक है, ठीक। और देखिए, एक तो कभी कभी मत लीजिए, और अगर नमक जैतून लेते हैं तो ज़रूर लीजिए, नमक जैतून भी लीजिए। अक्सर लोग कुछ दवाएं जो उन्हें अवेलेबल है वो ले लेते हैं, जो नहीं अवेलेबल होती उसे छोड़ देते हैं। नस्खा नस्खा होता है, उसे उसी तरह इस्तेमाल करो तो पूरा फायदा होता है। और अगर आप नमक जैतून भी लेते हैं फिर भी आपको शिकायत है, और रोज़ाना लेते हैं फिर भी आपको शिकायत है, तो इसमें बराबर वजन की अलसी भी मिलाकर इस्तेमाल की जा सकती जी हकीम साहब, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो गौंसिया का इस्तेमाल करते हैं, गठिया की प्रॉब्लम है या फिर पैरों में दर्द है, सूजन है। कोई कहता है कि पहले कंधे में दर्द था, फिर कमर में आ गया, फिर पैरों में आ गया। कुछ ये कहते हैं कि अभी 15 दिन में तो आराम था, लेकिन उतना आराम नहीं है।
मैं ये हमेशा आपसे कहती हूँ, ये सवाल भी करती हूँ कि पेशेंट्स को क्या है हकीम साहब, जल्दी बहुत है, वो जल्दी इस तरीके की है कि 10 दिन में फ़ायदा हो जाए, 5 दिन में फ़ायदा हो जाए, या फिर हम 10-15 दिन में ही एकदम अच्छे हो जाएं, तो इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की? देखिए ऐसा भी होता है कि जी कुछ लोग जल्दी भी ठीक हो जाते हैं, और अक्सर लोग जो ये जड़ी बूटी लेते हैं वो किसी को देख कर लेते हैं। जी जी जी। और ऐसा भी हुआ है कि लोग इस बहुत जल्दी ठीक हुए, अब वो दूसरे आदमी से कहता है कि भाई वो हकीम सुलेमान ने ये बताई थी दवा, और मैं तो 10 दिन में ही ठीक हो गया, 15 दिन में ही ठीक हो गया, तो वो भी सोचता है कि मैं 15 दिन में ठीक हो जाऊं। लेकिन यूनानी इलाज जो है ना एक तरीका है, अगर आप जल्दी भी ठीक हो गए तो आप देर तक दवा खाएं, यानी 2-3 महीने का तो कम से कम इसमें इस्तेमाल दवा का करना ही चाहिए। बिल्कुल। और मरीज का जो मिजाज है वो ये है कि अगर फायदा हो गया तो फिर अगली खुराक नहीं खाता, ये एलोपैथ की तरह नहीं है कि बुखार की 3 खुराक लाए, 1 खुराक खाई बुखार ठीक हो गया, 2 खुराक पड़ी हुई फेंक कही जाती है या किसी को दे देते हैं। ये यूनानी इलाज है, ये आपके रोग की जड़ पर काम करता है, इसको आपको पूरा कोर्स करना चाहिए। जिन लोगों को जल्दी भी फायदा हो गया है उन्हें पूरा कोर्स किए बगैर इलाज अधूरा ही माना जाता है। जी, उत्तर प्रदेश से हैं रीना जी, बात कर लेते हैं उनसे। स्वागत है मैम आपका। नमस्ते मैम जी। नमस्कार, स्वागत है आपका रीना जी। जय हिंद सर। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मैं दवा तो ले रही हूँ, आप बताते हैं जैसे टी केयर और गोंसिया साथ में नहीं ले सकते, ऐसे ही मैं एस केयर ले रही हूँ, तो मतलब मैं दोनों एक साथ ले सकती हूँ क्या? अलग अलग। बड़ा अच्छा सवाल। हाँ, उसके साथ आप एल केयर ले सकते हैं। दरअसल गोंसिया और टी केयर तकरीबन एक सी दवाएं हैं, वो एक रॉ मटेरियल है, एक दवा बनी बनाई है, तो क्योंकि एक सी दवाएं तो इसलिए साथ पर नहीं लेना चाहिए, अलग अलग टाइम में या अलग अलग करके लेना जरूरी है। लेकिन ये दूसरे रोग की दवा है तो आप इसके साथ जरूर ले सकते हैं। जी, स्वागत है मैम आपका। मैडम मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मेरे को पैर में अभी आराम से मिला गोंसिया से। हाँ हाँ। और उसके बाद में मेरे को थोड़ा क्या हुआ कि एकदम फिर मैंने वो जैतून का छिड़का चालू किया मैडम। ठीक है। तो उसके बाद में मेरे को है ना एकदम से ऐसी नसों में और पैरों में मतलब इतना दर्द पड़ गया कि हालांकि मैं बंद नहीं कर रही हूँ जैतून का छिड़का गोंसिया बंद नहीं कर, एक एक टाइम ही ले रही हूँ मैं। ठीक है। तो हाँ, तो मेरे को थायराइड भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, और बीपी लो होता है, और शुगर भी मतलब नॉर्मल है मेरी, तो वो तो ले रही हूँ, लेकिन मैं पेन क्लियर भी ले रही हूँ और इंजेक्शन ताकत के दिए अभी डॉक्टर ने, तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं, पर रीढ़ की हड्डी कमर में बहुत प्रॉब्लम है मैडम। ठीक है मैम जी। देखिए झुकने की एहतियात रखें, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, थोड़ा सा और इंतजार करें, आपको फायदा शुरू हो गया। एक आध बार ऐसा लगे कि दर्द बढ़ गया तो दर्द की दवा ले लें, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, 1-2 महीने और इलाज करें, शुगर का इलाज हमेशा करना पड़ता है। मेरी दुआ है कि आप स्वस्थ रहें।